भाई, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आपने कई सारे बॉलीवुड मूवीज और दोस्तों ऑडियो के वीडियोस में देखे होंगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे नीचे और दोस्तों ऊपर में जो यहाँ पे ब्लैक बार शो हो रहे हैं, इसको आप ऐड कैसे करें अपने वीडियोस में। और दोस्तों जो यहाँ पे इफेक्ट देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इस जो लेफ्ट साइड और दोस्तों यहाँ पे जो राइट साइड है, इसमें आप लोग को यहाँ पे बहुत ही फर्क नजर आ रही होगी। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इस जो लेफ्ट साइड में है दोस्तों वो एडिटिंग किया हुआ है, और दोस्तों जो राइट साइड में है दोस्तों यहाँ पे बिना एडिटिंग के है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो लेफ्ट साइड में है दोस्तों यहाँ पे ग्रीन जो है बहुत ही अच्छे दिख रहा है, और दोस्तों ये जो राइट साइड में है दोस्तों ये थोड़ा जो है यहाँ पे नॉर्मल मोड में है। तो दोस्तों इसी तरह का एडिटिंग जो है आप काइन मास्टर में किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, इसी के वो मैं दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, ये मुझे यहाँ पे आशा हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूँ आपका अपना शंकर, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को टेक्निकल शंकर। और दोस्तों वही घिसा पिटा डायलॉग मैं फिर से नहीं बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि सब्सक्राइब करना है, नहीं अगर करे होंगे तो। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लो, और दोस्तों यहाँ पे बेल आइकन को घंटे की तरह दबा दो, उससे होगा कि जब भी मैं कोई इस तरह का नया वीडियो डालूंगा दोस्तों आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और दोस्तों आप मेरे वीडियो को जो है पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो दोस्तों मुझे कमेंट करो दोस्तों, इसके लिए मैं दोस्तों यहाँ पे आपको लिंक बता दूंगा, मेरा मतलब कि सेंड कर दूंगा अपने जो है गूगल ड्राइव का। तो दोस्तों यहाँ पे पहले जो है आपको यहाँ पे काइन मास्टर में ओपन होना होगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे काइन मास्टर में ओपन हो चुका हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा कि ये प्लस आइकन पे क्लिक करके दोस्तों एम्प्टी प्रोजेक्ट में चले जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, मीडिया ब्राउजर में जाना होगा, और उसके बाद दोस्तों आपको किसी भी वीडियो को चूज करना है, जिस वीडियो में जो है आप एडिटिंग करना चाहते हैं, और दोस्तों जो भी कुछ करना चाहते हैं दोस्तों उसको यहाँ पे आप चूज करो। तो मैं यहाँ पे इसी वीडियो को चूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों मेरा वीडियो, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये बिना एडिटिंग, विदाउट एडिटिंग, बिना कोई एडिटिंग का किस तरह दिख रहा है। तो दोस्तों इसको हम करेंगे अभी फिल्टर, और दोस्तों इसका सेचुरेशन बढ़ाएंगे, और दोस्तों और ही अच्छा करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करें, और दोस्तों ये नीचे चले जाइए, और यहाँ पे जो कलर एडजस्टमेंट है दोस्तों उसमें आप क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों ये थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों, थर्ड नंबर पे ये जो है सेचुरेशन मोड है, तो उसको यहाँ पे आप बढ़ा लीजिए। तो दोस्तों मैं जब यहाँ पे फुल कर जाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का हमारा वीडियो जो है शो हो रहा है, मतलब कि दिख रहा है। और दोस्तों मैं यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही फर्क हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जब मैं अप डाउन कर रहा हूँ तो किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों इसको यहाँ पे फुल कर दो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्राइटनेस अगर कम है वीडियो का तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं इधर से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो ब्राइटनेस है दोस्तों उसको ज़्यादा मत बढ़ाओ, नहीं तो फेस में आपका जो है अच्छा नहीं दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी जो ये पर्सन है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे बिना सेचुरेशन मोड को यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, कि किस तरह का दिखेगा आपको यहाँ पे खुद ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का जो है ओरिजिनल में है दोस्तों। ये जो है यहाँ पे वीडियो शूट किया है मैंने अपने फ़ोन से, रेडमी नोट 3 का फ़ोन है दोस्तों, जिसमें कि शायद 12 या फिर नहीं 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो दोस्तों ये कैमरा बहुत अच्छा है मेरा फ़ोन में। अगर आपको यहाँ पे इस फ़ोन को ख़रीदना है, बहुत ही अच्छे प्रोसेसिंग है, तो यहाँ पे अमेजन से आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों इसको यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं फिर से, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड जो है आता है हमारा जो ब्लैक कलर का बार्स जो यहाँ पे ऊपर और नीचे जो है आता है। तो दोस्तों उसके लिए करना ये होगा दोस्तों कि आप पहले लेयर में चले जाओ, उसके बाद दोस्तों मीडिया ब्राउजर में चले जाओ, वही है दोस्तों, उसके बाद बैकग्राउंड, उसके बाद यहाँ पे ब्लैक। यहाँ पे अगर आपको कोई अलग कलर का चाहिए तो आप दूसरे कलर भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो प्रोफेशनल है दोस्तों ब्लैक कलर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे ये या फिर ये जो भी आप चूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये चूज़ किया, और उसके बाद इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करो जितना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, और दोस्तों यहाँ पे डुप्लीकेट में क्लिक कर दो। उसके बाद ये जो यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड कलर, ये भी सॉलिड कलर, तो किसी को भी आप यहाँ पे चूज़ कर लो। फिर से यहाँ पे चले जाओ, और दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये नीचे आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ से ऐसे नीचे कर दो। तो इसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा, और दोस्तों इसको यहाँ पे अभी हम ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम वीडियो को प्ले करेंगे, तो दोस्तों मैं इस वीडियो का ऑडियो जो है यहाँ पे म्यूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैसे प्रोफेशनल जैसा लगेगा दोस्तों ये।
और दोस्तों और भी प्रोफेशनल के लिए यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करो और दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको स्लो मोशन कर दो, मेरा मतलब कि स्पीड कंट्रोल में जाओ और दोस्तों इसका स्पीड जो है बहुत ही लो कर दो। तो दोस्तों ये किस तरह का दिखेगा यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, अभी मैं एक म्यूजिक इसमें पहले ऐड कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे सुनाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा जिस म्यूजिक पे ये वीडियो मैंने बनाया दोस्तों उसी को यहाँ पे डाल रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है आई बटन पे लिंक दे दिया दोस्तों इसी वीडियो का, जो कि मेरा सेकंड चैनल है दोस्तों। मैं यहाँ पे सिंगिंग का वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो दोस्तों उसी में ये वीडियो जो है अपलोड है दोस्तों, उसको वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, वो मेरा सेकेंड चैनल है। और दोस्तों मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वो चैनल भी मेरा जो है आप जो है सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं ऐड कर देता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा वीडियो जो है बिल्कुल बिल्कुल हूबहू जो है यहाँ पे प्रोफेशनल वीडियो की तरह दिखने लगा है। अगर आप लोगों को अभी तक विश्वास नहीं है तो मैं जो है यहाँ पे बैक हो जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा दोस्तों और यहाँ पे डायरेक्ट जो है प्ले करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप अभी देख सकते हैं जो है प्रोफेशनल वीडियो इसी तरह का दिखता है। अगर अभी भी आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो मैं यहाँ पे आप लोग को एंड में एक वीडियो दिखा दूंगा गुरु रंधावा का, जिसमें यहाँ पे ये वो जो ब्लैक बार्स है दोस्तों यूज़ किए हैं। तो इसी तरह का जो है आप यहाँ प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। अगर आपके पास लाइट है तो आप दोस्तों आप तो वीडियोग्राफर बन जाइए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अपने एंड्रॉयड मोबाइल से जो है यहाँ पे वीडियो को एडिट कर सकते हो। और दोस्तों मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि आपको यहाँ पे मैं जो वीडियो डाला था दोस्तों डबिंग वीडियो कैसे बनाते हैं, उसमें जो है बहुत ही क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों मेरे व्यूअर्स। तो मैंने सोच रहा था कि इसी के बारे में जो है Q&A वीडियो डाल दूंगा। अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट करो दोस्तों कि Q&A बनाने से आपको हेल्प होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों आज के वीडियोस में इतना ही बताऊंगा दोस्तों कि यहाँ पे प्रोफेशनल जैसे एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, इसी को बताने वाला था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, नहीं तो डिसलाइक करो, और दोस्तों नहीं हो तो सब्सक्राइब ठोको, और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो टाटा बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।